कहना चाहते हैं कि कैथल की किसान यूनियन ना दबेगी ना झुकेगी, संघर्ष करेगी। जमीन की तरफ सरकार ध्यान ना करे वरना उठे दिल्ली वाल दिल्ली की तरफ उठे दिन लग जाए। ये सरकार को हम बताना चाहते हैं, ये किसान हैं, किसान जाग चुके हैं, आपकी ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आज जो आठ प्रकार की मुस्तका मालकान जुमला मस्तकान जो हमारी आठ प्रकार की ज़मीनें उनके बारे में हमने जो इन्होंने कानून बनाया था उसकी प्रतियां जलाई गई है। जो हमारी ज़मीनें इनकी तरफ मुंह नहीं करना, ये हम क्योंकि हमारे जो बुजुर्गों ने पाकिस्तान से आए थे को 70 साल से यहाँ पर खेती कर रहे हैं, मूल पड़े हैं और समतल बनाई है, ट्यूबवेल लगाया है, हमारे बड़े दिहाड़े पर कई ज़मीन कामयाब बनाई है। इस ज़मीन की तरफ सरकार ध्यान ना करे वरना उठे दिल्ली वाल दिल्ली की तरफ उठे दिन लग जाएंगे। पुलिस के साथ थोड़ी जोर जबरदस्ती, ये तो सिंगार हमारा कौन तो रहता है, ये तो चलते रह गए जब तक पुलिस वाले दिखती जब तक हमारे करंट नहीं आता। ये जान के पंगे ले, जब बेरा हर बार यहाँ पर ज्ञापन देते हैं ओड़े लावेंगे उड़ा लावेंगे, इनकी तो शर्म उतरी ऊपर तक तला तक सारेगी, जिसकी उतर की लोश का कह कोई कि कड़ा कड़ा लड़ा, लेकिन किसान मजदूर का मेरा जाग चुका है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम ऐसे ही पूरा आंदोलन ऐसे सक्रिय रखते हैं। प्रतियां फूकी गई हैं, ज्ञापन भी देगा। हम कैथल प्रशासन को हरियाणा गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि कैथल की किसान यूनियन ना दबेगी ना झुकेगी, संघर्ष करेगी। हरियाणा में लाखों एकड़ जमीन है जो मोदी सरकार और खट्टर सरकार हथियाना चाहती है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम जमीन के लिए खून की नदियां बांटेंगे। ये नीम साहब गुरुद्वारा से होके और अनाज मंडी में अनाज मंडी से यहाँ पर ये प्रतिमा जलाई गई। आज का जो हमारा ये प्रोग्राम था, जो प्रदर्शन था वो था देश आमलाट जमीनों को लेकर, जो 2 क्विंटल जो इन्होंने रख रखा था उसको 30 क्विंटल करने के लिए, और जो जल भराव के कारण जो फसलें दुरुस्त हुई हैं, जो फसलें खराब हुई हैं उनको मुआवजों को लेकर, ये सरकार को हम बताना चाहते हैं, ये किसान हैं, किसान जाग चुके हैं, आपकी ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये बैरिकेड लगाने की और ये ऐसे जो प्रशासन ने जो किया है ये गुंडागर्दी आपकी नहीं चलेगी। ये किसान के कैथल की जो भारतीय किसान यूनियन चुनौनी की टीम जाग चुकी है, ये आपको ऐसे करने नहीं देगी। धन्यवाद।